नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल इंडिया सर्वाइविंग में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप नौकरी करने के लिए बेंगलोर जाना चाहते हैं या किसी भी कारणवश बेंगलोर में शिफ्ट होना चाहते हैं, वहां रहना चाहते हैं, तो ये आज का ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए ही है। क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बेंगलोर में रहने का कितना खर्चा आता है। बेंगलोर में रहने के लिए रूम व्यवस्था, रूम रेंट, खाना खर्चा, पानी की क्या व्यवस्था है, किस एरिया में काम और नौकरी आपको दोनों तरह उपलब्ध मिलेगा, इन सारी चीजों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। इसलिए हमारा आज का ये वीडियो पूरी तरह से जरूर देखें और साथ ही हमारे ये वीडियो लाइक और शेयर करके हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए वीडियो की आज शुरुआत करते हैं रूम व्यवस्था और किराए से। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बेंगलोर में तीन तरह के रूम उपलब्ध हैं, यानी आप कह सकते हैं तीन तरह के कैटेगरी यानी तीन तरह के फैसिलिटी वाले रूम जो हैं बेंगलोर में उपलब्ध हैं। तो अगर हम रेंट की बात करें तो 2500 से 3000 रुपया एक कैटेगरी का रूम आपको मिलेगा। दूसरा कैटेगरी का रूम जो कि 4000 रुपये से 5500 रुपये के बीच में मिलेगा, और जो तीसरी कैटेगरी और फैसिलिटी वाला रूम है वो आपको 6000 से लेकर 8000 या उससे अधिक का कीमत वाला भी आपको रूम मिल जाता है। अब इन तीन कैटेगरी वाले रूमों के बारे में मैं और भी कुछ आगे बताऊंगा, लेकिन इससे मैं पहले बता दूं कि ये जो तीन कैटेगरी के रूम हैं तो 2500 से 3000 रुपए वाला जो रूम होते हैं उनके ऊपर जो छत होते हैं वो शीट यानी कि जो सीमेंट वाले शीट होते हैं, चादर होते हैं, वो होते हैं। और उसके बाद जो है जो 4000 से 5500 वाले जो रूम होते हैं उसमें भी कुछ रूम जो है आपको बेंगलोर में शीट वाले यानी कि ऊपर जो सीमेंट के चादर होते हैं, शीट होते हैं, एस्बेस्टस होते हैं, वो मिल जाते हैं, और या कहीं कहीं आपको एक दो आपको छत वाले मिल सकते हैं। लेकिन जो तीसरे कैटेगरी वाले जो रूम होते हैं जो कि 6000 से लेकर 8000 या उससे अधिक वाले जो रूम होते हैं वो आपको छतदार यानी कि छत वाले रूम मिल जाते हैं। दोस्तों, ये तो था आपको तीन तरह रेंट वाले रूम जिसको मैंने आपको बता दिया। लेकिन दोस्तों, बेंगलोर में जाने से पहले एक बात का आप बंदोबस्त कर लीजिएगा, जो कि ये जो तीन कैटेगरी वाले रूम हैं इसको आपको बहुत ज़रूरी हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, आपको जो है कोई भी रूम लेने से पहले बेंगलोर में उसका कुछ एडवांस देना पड़ता है, सिक्योरिटी मनी देना पड़ता है। अब ये सिक्योरिटी मनी जो है तीन तरह के रूम के लिए अलग अलग कैटेगरी है, पैसा है, सिक्योरिटी वो बटा हुआ है। तो हम जो है 2500 से 3000 रुपए वाले जो रूम रेंट वाले रूम होते हैं, अब उनके लिए क्या है कि आपको कम से कम 10000 रुपया जो है एडवांस में सिक्योरिटी मनी जमा करना पड़ता है। यानी कि 2500 से 3000 रुपए वाले जो रूम रेंट वाले जो रूम होते हैं उनमें रहने के लिए आपको ओनर को 10000 रुपये कम से कम डिपॉजिट करना होता है। दूसरी कैटेगरी वाला जो रूम रेंट वाले रूम होते हैं 4000 से लेकर 5500 रेंट वाले जो रूम होते हैं उसके लिए आपको 15000 रुपये सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करना पड़ता है एडवांस में, और जो 6000 से 8000 वाले रूम होते हैं या उससे ऊपर वाले रूम होते हैं उसके लिए 20000 रुपया तक आपको सिक्योरिटी मनी यानी एडवांस रूप में देना पड़ता है। दोस्तों, ये जो एडवांस का चक्कर है ये पूरे बेंगलोर में आम है और रूल है, ये ओनर की तरफ से है, आपको पैसा देना ही होगा। बिना आपका एडवांस दिए आप अंदर रूम में नहीं रह सकते, एक बात आप समझ लो बेंगलोर में। तो ये जो तीन कैटेगरी वाले हैं मैंने आपको रूम और फैसिलिटी और जो रेंट और उनका एडवांस है वो मैंने बता दिया है। तो आप बेंगलोर में जाने से पहले आप इसका इंतजाम कर लीजिएगा, या फिर आपका जो अगर कोई रिलेटिव रहते हैं बेंगलोर में तो कोई दिक्कत नहीं होगा, या जाने से पहले आप अकेले जाना चाहते हैं तो फिर इसका इंतज़ाम आप कर लीजिएगा। वैसे पीजी भी है रहने के लिए, लेकिन पीजी में आपको ज़्यादा महंगा पड़ेगा, वहाँ 10000 रुपया कम से कम पीजी में लेते हैं। तो पीजी की बात मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल अब चलते हैं कि कहाँ पर जो है सस्ता रूम आपको मिल जाएगा। तो बेंगलोर में बासापुरा है, तो बासापुरा में आपको 2500 से लेकर 3000 रुपए वाले जो रेंट वाले जो रूम होते हैं वो आपको आसानी से बहुत मिल जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर लोग ड्यूटी वाले रहते हैं और थोड़ा सा रूरल एरिया है, तो वहाँ पर कम दाम में आपको रूम मिल जाएगा। लेकिन इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पर बहुत सारे कंपनी हैं, गारमेंट्स फैक्ट्री है, और जो है
बहुत सारी कंपनियां हैं वहां से आप ड्यूटी जा सकते हैं। अब करते हैं बात पानी के बारे में कि सबसे पहले मैं बता दूं दोस्तों कि पूरे बेंगलोर में जो है वो कावेरी नदी का पानी जो है सप्लाई होता है। कावेरी नदी के पानी को उठा लिया जाता है, उठाकर उसको पानी बड़े बड़े टंकियों में, पानी टंकियों में स्टोर किया जाता है और इसमें कीटनाशक का दवाई छिड़क कर जो है इसको सप्लाई किया जाता है बेंगलोर में। दोस्तों इस पानी को आप जो है कपड़े धोने में और नहाने में और शौच के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये पीने योग्य नहीं होता है। हालांकि मजबूरी में लोग, बहुत सारे लोग जो है पीते हैं, और अगर आपको पीना है तो आपको वहाँ पर फिल्टर वाला पानी खरीदना होगा जो कि 10 या 20 रुपए में आपको बकेट मिलता है फिल्टर वाला, वो आप खरीद पीने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो 2500 से 3000 रुपये वाला जो रूम रेंट वाले जो रूम होते हैं उसमें आपको जो है कावेरी नदी वाला जो पानी होता है वो सप्लाई करते हैं। वो भी हफ्ता में 2 दिन सप्लाई होता है, बाकी दिन आप नहीं होता है उसको। अगर आपके पास कंटेनर है तो आप उस कंटेनर में पानी को पैक करके आप इस्तेमाल करने के लिए रख सकते हैं। हफ्ता में 2 दिन आपको ही मिलेगा। ये आपको पानी की व्यवस्था है 2500 से 3000 वाले रूम में। 4000 से 5500 रुपये वाले रूम का भी यही प्रोसेस है, वहाँ पर भी जो है कहीं पर पानी मिलेगा आपको, बोरिंग का ओनर देता है सप्लाई, कहीं पर नहीं मिलेगा, कहीं आपको जो है कावेरी नदी का ही जो सप्लाई वाला पानी होता है उसी का इस्तेमाल करना होगा। और जो 6000 से 8000 वाला या उससे अधिक वाला जो रूम होता है तो उसमें पूरी फैसिलिटी होती है, 24 घंटा आपको पानी मिलता है क्योंकि वो ऑनर ही देता है और रूम रेंट भी ज़्यादा है इसलिए उसको कई तरह सब सुविधा मिलती है, लैट्रिन बाथरूम और उसके बाद किचन वगैरह जितना भी है वो सब भी आसानी से मिल जाता है। अब आते हैं खाना। अब आप खाना कैसे करें खाएंगे? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि वहाँ के होटल का क्या रूल है, क्या हिसाब है। तो वहाँ पे जितने भी बेंगलोर के होटल हैं वहाँ पर एक टाइम का खाना आपको कम से कम 50 रुपये लगेगा, वो भी सादा खाना, दाल चावल और जो दाल चावल और वो जो सांभर होता है वही आपको मिलेगा कम से कम 50 रुपये में। और रोटी तो भूल ही जाइए, जो कि अगर जो भी आप उत्तर भारत के रहने वाले लोग हैं, बिहार, यूपी या दूसरे इलाकों में जो रोटी प्रधान है, तो रोटी को तो भूल जाइए क्योंकि बेंगलोर में रोटी ऐसा मिलता नहीं है, और मिलता भी है तो चपाती जो आपको पसंद नहीं आएगा, इसलिए वहाँ पर दाल चावल और सांभर ही ज़्यादा यूज होता है, जो कि 50 रुपये एक टाइम का खाना। अगर आप इससे अच्छा है कि आप जो है अपना दाल चावल खरीद के अगर रूम में बना के खाते हैं तो कम से कम 3 से 4 हज़ार रुपये अच्छा खाना पीना करके आप जो महीना के 4 हज़ार में 3-4 हज़ार में खाना का खर्चा उठा सकते हैं। तो ये तो था खाना का और होटल व्यवस्था का क्या है वहाँ पर, मैंने आपको बता दिया है। अब आगे बढ़ते हैं कि जो इंडस्ट्रियल एरिया है आपको कहाँ कहाँ रहना चाहिए, जहाँ पर आपको सुविधा से काम और कंपनी में जॉब आसानी से मिल जाए और मार्केट भी है वहाँ पर, जो आपको खरीदारी में परेशानी ना हो। होसा रोड, इलेक्ट्रॉनिक सिटी और बोमानाली, ये जो 3 एरिया है आप यहाँ पर रह सकते हैं, यहाँ पर आपको आसानी से रूम मिल जाएगा। और यहाँ पर जो है कंपनी के बारे में, इंडस्ट्रियल एरिया है, आप यहाँ पर रह सकते हैं, बहुत सारे कंपनी में आपको जॉब मिल सकती है, बहुत सारे जो कंपनी है वहाँ पे सॉफ्टवेयर कंपनी है वहाँ पर आप नौकरी कर सकते हैं, आपको आसानी से जॉब मिल जाता है। कामकाज का क्षेत्र है ये जो एरिया है होसा रोड, इलेक्ट्रॉनिक सिटी और बोमानाली, यहाँ पर अच्छा खासा टाउन एरिया है, मार्केट भी अवेलेबल है, सारी सुविधाएँ आपको मिल जाती है और आसपास में बहुत ही ज़्यादा कंपनी है, हर तरह के कंपनी है, गारमेंट फैक्ट्री भी है, सॉफ्टवेयर कंपनी है और अलग अलग तरीके के आपको डेटा एंट्री से जुड़ा हुआ कंपनी भी आपको मिल जाएगा होसा रोड, इलेक्ट्रॉनिक सिटी और बोमानाली। अगर आपको रूम रेंट कम लेना है, कम रेंट रूम रेंट वाला रूम लेना है तो आपको वासापुरा में जाना चाहिए। वासापुरा जो है होसा रोड से 1 किलोमीटर दूर है, ज़्यादा नहीं है, यहाँ वासापुरा से आप जो है होसा रोड में मार्केट करने आ सकते हैं, यहाँ पर हर फैसिलिटी है। तो ये था इंडस्ट्रियल एरिया कामकाज वाला, और ये हमारा आज का वीडियो था। आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दें और इस हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। और लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो जानते नहीं हैं और बेंगलोर जाना चाहते हैं, तो इससे पहले क्या क्या आपको तैयारी करके जाना है, वहाँ कैसा लाइफ स्टाइल है, किस तरह का रूम रेंट और कैसे खाना पीना खर्चा कितना है, वो जानना ज़रूरी है बहुत लोगों को। तो लाइक शेयर कर दीजिए और इसी तरह का वीडियो मैं आपको आगे भी लाता रहूँगा। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।